तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना सैमसंग गैलेक्सी के एक ऐप की नई अपडेट के बारे में, जिसका नाम है एसेबिलिटी ऐप, या बोल सकते हैं एसेबिलिटी एक सेटिंग जो कि हर मोबाइल में होती है, बट सैमसंग गैलेक्सी में हर सेटिंग के एक ऐप के बारे में बताया गया। तो आज मैं बताने वाला हूँ एसेबिलिटी के बारे में, नई अपडेट के बारे में, और एसेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एक सेटिंग के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है एसेबिलिटी वाला। एसेबिलिटी में जाएंगे तो आपको देखेंगे ऊपर ही एक आपको मिल रहा होगा न्यू वर्जन इज अवेलेबल, या फिर नीचे आप अबाउट एसेबिलिटी में जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे इसको यूज़ क्या है इस अपडेट का यूज़, मैं बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको ले जाएगा गैलेक्सी स्टोर पर। गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद आप देखेंगे नया अपडेट आया। यहाँ पर कुछ नए चेंजेस तो नहीं दिए गए, बट जब भी कोई नया अपडेट आता है बग्स फिक्सेस होते हैं और कोई भी जो उसमें एरर होता है उसको सल्यूट करा जाता है, बोल सकते सोल्यूशन कराया जाता है। बग्स फिक्स के होते हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है सबको रेक्टिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन है 13.5.02.1, जो कि 8 नवंबर 2022 को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 19.88 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप का यूज़ क्या है। जैसे कि आप देखेंगे इस ऐप में आप क्या क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं, हियरिंग एनहांसमेंट, इंट्रैक्शन एंड डेसिग्रेटरी, और यूनिवर्सल स्विच इनेबल कर सकते हैं। ये सबके लिए मैंने वैसे तो वीडियो सबके लिए अलग बना रखी है, आपको आगे बता भी दूंगा छोटा छोटा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये हो चुका है डाउनलोड, या हो सकते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको ऐसा यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, सबसे ऊपर रिकमेंडेंस बाय फॉर यू। यहाँ पर जो भी आपका ऑन होगा वो आपको बता देगा, लाइक मैंने रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर वाला फीचर ऑन कर रखा है तो वो बता देगा। और नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है टॉक बैक का। टॉक बैक का ऑप्शन क्या होता है, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे, इसको ऑन करने के बाद वैसे तो करना नहीं चाहिए, इसको अगर आप ऑन कर लेंगे उसके बाद इसको ऑन कर लेंगे तो ये बहुत बोलेगा यार, जिस जिसको भी आप क्लिक करेंगे ना वो बोलते ही जाएगा, तो इसको ऑन मत करिएगा और फिर बड़ी मुश्किल से क्लोज होगा। इसको ऑन मत करना, बहुत मुश्किल से ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मैंने कहा विजिबिलिटी इन्हांसमेंट का, आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड, पहले तो डिफॉल्ट हाई कंट्रास्ट लार्ज डिस्प्ले के लिए मिल जाएगा। डिफॉल्ट में जाएंगे तो डिफॉल्ट में हो जाएगा, हाई कंट्रास्ट में जाएंगे तो हाई कंट्रास्ट हो जाएगा, लार्ज डिस्प्ले में जाएंगे तो लार्ज डिस्प्ले वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर लेना, ना कि मत करना। यहाँ पर आएंगे हाई कंट्रास्ट, आपको थीम्स मिलेंगी कि आप इन थीम्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगी थीम्स और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाई कंट्रास्ट फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप देखेंगे अगर इसको ऑन करेंगे तो फॉन्ट्स ऑन हो जाएंगे। हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, राइट लेटर हाई लाइट्स बटन का यूज़ कर सकते हैं आप, कलर इन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं आप, कलर इन्वर्जन का रिमूव एनिमेशन कर सकते हैं, रिमूव एनिमेशन जो भी एनिमेशन है वो सब रिमूव हो जाए तो आप उसका यहाँ पर ऑफ ऑन कर सकते हैं। और रेडियो ट्रांसपेरेंसी ब्लर का मैंने ऑन कर रखा है, जो कि मुझे लगता है सही है, काम कर सकता है। कलर करेक्शन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इन सबको कलर करेक्शन कर सकते हैं। मैनिफेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीफाइज का, लार्ज माउस एंड टच पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम का जो बहुत अच्छा फीचर था अभी जो 1UI 4.0 के बाद आया था, कि आप एक्स्ट्रा डिम करके अपनी बैटरी को और बचा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लार्जर माउस एंड टचपैड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप माउस और टचपैड लगाना चाहें तो आप यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पर यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। स्क्रीन जूम कर सकते हैं, जितना भी आपको स्क्रीन जूम चाहिए तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन का भी सेटअप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि जिनको विजिबल में प्रॉब्लम आती है उनसे रिलेटेड सेटिंग आपको विजिबल एनहांसमेंट मिलेगी। ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, हियरिंग एनहांसमेंट, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये वाला है, तो सुनने से रिलेटेड यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक लाइव ट्रांसमिशन जो कि देख के बताएगा, लाइव कैप्शन, कैप्शन प्रिफ्रेंस, साउंड नोटिफिकेशन, हियरिंग एड सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा आपको।
तो ये सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं हेयरिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे इंटेक्शन एंड डिसेक्शन के लिए, तो यहाँ पर यूनिवर्सल स्विच बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर कोई स्विच यूज करेंगे उसके लिए एसिबिलिटी मीनो आप इसको यूज कर सकते हैं, जो एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें आप कुछ भी यहाँ पर छोटा मोटा यूज करना चाहें तो कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। वॉइस एक्सेस अपने मोबाइल अपने वॉल के अपने मोबाइल को चलाना हो तो आप यहाँ पर वॉइस एक्सेस का यूज कर सकते हैं, वॉइस एक्सेस का यूज कर सकते हैं। आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल वाला फीचर है उसका भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल के लिए फीचर दिया गया है कि कैसे ऑन हो, रीड हो, कॉलर नेम, आंसर ऑटोमेटिकली, प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल, मतलब आप यहाँ पर आंसर से रिलेटेड यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। इंटरेक्शन कंट्रोल कि यहाँ पर क्या हो तो और क्या एक्टिविटी हो वो मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अच्छे से समझने के लिए सारी सेटिंग्स के लिए सबके लिंक आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे मेन एडवांस सेटिंग पे, तो एसिबिलिटी बटन का आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे साइड अप में वॉल्यूम क्यूब में कोई भी एसिबिलिटी को आप वहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन में भी कोई भी किसी को सेट आउट कर सकते हैं, फ्लैश नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कैमरा में कोई भी कॉल आए तो पीछे की फ्लैश लाइट जल जाए तो आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन फ्लैश चल जाए तो वो सेट आउट कर सकते हैं, और टाइम टू एक्शन टेकन ये आप यह डिले कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी चीज़ को आप कोई एक्शन करें तो कितने टाइम सेकंड बाद जाए तो आप यहां से सेट आउट कर सकते हैं। और स्पीक कीबोर्ड इन इनपुट लाउड, जब भी आप इस पर क्लिक करें तो कोई भी कीबोर्ड ऑटोमेटिक, जो भी कीबोर्ड पे आप क्लिक करें वो ऑटोमेटिक लाउड हो जाए तो आप यहां पर सेट आउट कर सकते हैं। और बिक्सी विजन के लिए भी यहां पर सेटिंग दी गई है, तो ये सब चीज़ें यहां सेट आप कर सकते हैं, और जो भी आप इंस्टॉल करेंगे सब आपको यहां पर मिल जाएगा। तो यही था सेटिंग के ऊपर, इसमें कुछ बक्सेस और कुछ भी प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। फेसबुक पे तो आप मुझे जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक मैं आपको नीचे अभी डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, तो आप मुझे जाके फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।